नमस्कार केम छो हिंदुस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अवनी हिंदुस्तानी मेरा ऑफिशियल चैनल है और बहुत सारे लोग मेरे फोटोग्राफ्स का गलत इस्तेमाल करके अलग अलग चैनल से मेरे वीडियो पब्लिश करते हैं और लाइक्स के लिए वो लोग अपने पोस्टर पे गाली गलौज लिखकर लाइक्स के लिए ये सब गलत काम करते हैं। तो खैर उनके ऊपर तो मैं लीगल एक्शन लूँगी अपने हिसाब से, लेकिन ये जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था कि आप लोगों की बदौलत आज जो मैं हूँ वो हूँ। तो इसलिए आपसे मैं विनंती करना चाहती हूँ, अवनी हिंदुस्तानी मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय के साथ आज का सब्जेक्ट चालू करते हैं। बहुत दिनों से बहुत चर्चित एक मुद्दा रहा है, वो है करीना कपूर की दूसरी औलाद। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को इतनी पब्लिसिटी देनी चाहिए, ये वीडियो भी शायद मुझे नहीं बनाना चाहिए, बट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये इतनी हद तक उछल रहा है ये मुद्दा। इन लोगों को एक धंधा, सबसे पहले तो इन लोगों की ज़िंदगी किस पर चलती है? जिस्म बेचकर, नंगेपन कर, आतंकवादियों की साठगांठ और बॉलीवुड में जिन अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है उनके कहने पर नाच गान करना, गलत चीज़ों में इन लोगों के हमेशा हाथ होते हैं। राज कुंद्रा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन लोगों की लाइफ है ना इतनी गिरी हुई है कि आपके घर पर मतलब एक छोटे से छोटा इंसान भी जो आता होगा ना वो इन लोगों से ज़्यादा इज्जतदार होगा। तो इन लोगों को कोई इतना हीरो बनाने की या इन लोगों को कोई भी पब्लिसिटी देने की आप लोग मेहरबानी कर इन लोगों का नाम कहीं भी ना लें, क्योंकि ये लोग इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से ये लोग पब्लिसिटी करते हैं अपनी और न्यूज़ में रहते हैं ताकि इन लोगों का धंधा चल सके। मैं अभी भी बोल रही हूँ ये बॉलीवुड के भांड है, ये कोई हीरो हीरोइन नहीं है। आप अपने बच्चों को भी ये कभी ना बताएं कि बेटा इस मूवी का हीरो ये है। हमारे देश के हीरो अगर कोई है तो वो है हमारे आर्मी के लोग जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ भांड है जो 1-2 लाख फेंकने पर कपड़े उतार कर आपके घर भी नाचने के लिए आ सकते हैं। इन लोगों की औकात यही है, इससे ज़्यादा ये मान सम्मान के अधिकार इन लोगों को नहीं दे आप लोग। अब आप लोग समझो, जब तैमूर जब पैदा हुआ था तब भी आप लोग देखो कि इसने यही कंट्रोवर्सीज करी थी, उसका नाम तैमूर रखा था और तब ऋषि कपूर ने बहुत सारी ट्वीट्स करी थी कि ये उसका बेटा है, किसी को ये जजमेंट लेने, मतलब इन लोगों के धंधे यही है। ये भांड पब्लिक को ज़रा भी हीरो हीरोइन ना बनाए। अब जो आप करीना का लेवल क्या है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, चलो आप मुझे बताओ। मतलब उस जमाने में जब लोग मर्यादा से रहते थे तब इसका हरामी दादा कैरेक्टरलेस, ठीक है ना, वो लोगों को नंगे बदन राम तेरी गंगा मैली जैसी मूवी में मंदाकिनी को किस तरीके से दर्शाया गया था वो सब जानते हैं। तो इसका दादा एक नंबर का कैरेक्टरलेस था, एक नंबर का हरामी था सबसे पहले। दूसरे के उनके घर में ही देख लो, मतलब ये जो नीतू सिंह है वो शशि कपूर के साथ भी बीवी बन के आती थी, पता नहीं उसके काका के साथ वो बेटी बनती थी, बीवी बनती थी, बहू बनती थी, मतलब ये इनका चल चरित्र है। दूसरी बात अभी आप लोग देख लो, रणबीर कपूर उसकी औकात क्या है, हर 2 दिन में वो अपनी गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। इसकी माँ नालायक खुद बबीता जो उसके पति को छोड़ के इतने सालों से ये 2 निकम्मी औलादों को लेकर अलग रहती थी, करिश्मा और करीना। करिश्मा का भी आप देख लो घर तोड़ के बैठ गई है, 2 बच्चे लेकर वापस आ गई है। और ये नालायक जो अपने बाप के उम्र के उसके साथ शादी करके बैठ गई पैसों के चक्कर में। इन लोगों में प्यार व्यार मर्यादा संस्कार कोई चीज़ नहीं होती है। इनके माँ बाप इनको बचपन से सिखाते बेटा गलत काम करने के पैसे मिलते हैं तो भी करो, अगर जिस्म दिखाकर पैसे मिलते हैं तो वो भी करो, और 2, 3, 4, 5 जो भी शादी किया हुआ तुम्हें मर्द मिले ठीक है, लेकिन अगर वो पैसे वाला हो तो उसके साथ जाकर भी सो जाओ। ये इन लोगों के संस्कार है बॉलीवुड का, ये नंगा सत्य है जो प्लीज़ आप लोग समझे। इन लोगों की रोज़ी रोटियां चलती है आप लोगों की वजह से। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये ऐसे ये फालतूगिरी करके है ना सिर्फ करीना बटोर रही है अपनी पब्लिसिटी, क्योंकि अभी वो जिस तरीके से गटर के ढक्कन की अभी जिस तरीके से वो हो गई है ना, उसको पता है कि 1-2 साल अभी वो मूवी में आ नहीं पाएगी, तो इसलिए ये सब चीज़ें करके ये लोग ना पब्लिसिटी में रहना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना के कारण थिएटर्स भी बंद है तो इन लोगों की मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, तो अब क्या करेंगे, अंडरवर्ल्ड का जो पैसा लगा है तो उसकी वजह से इन लोगों को जो काम करना पड़ता है वो तो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग ये धंधे करते हैं।
और ये सब करने में सबसे बड़ा अगर इन लोगों का कोई सपोर्ट करता है तो ये है दलाल मीडिया। मतलब ये जो दल्ले हैं, जो ये बॉलीवुड, ये लोग स्पेशली मीडिया के दलालों को ये लोग संभालते हैं, अब्रॉड की ट्रिप्स देते हैं। क्यों देते हैं पता है? ताकि इनके गंदे चेहरे ये लोग है ना मीडिया में छापे ना। इस चीज़ के लिए ये लोग है ना मीडिया वालों को इतना संभालते हैं। और मीडिया वालों का काम क्या है? दलाली करना। मतलब तैमूर ने चड्डी अगर बदली तो भी आज तक वाले उसके जो फूफा जी और जो बुआ है पड़ी है, वो अपने बच्चे नंगे बदन चाहे घूमे, लेकिन तैमूर ने चड्डी बदली वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो ताकि ये लोग इन लोगों के मुंह पर पैसे फेंकते हैं, इन भिखारियों के, मीडिया वालों के, और इस वजह से इन लोगों की पब्लिसिटी चलती रहती है और कुछ इसमें लेना देना है नहीं। तो करीना कपूर जैसी भांड को हीरोइन ना बनाएं, उसकी औकात कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये लोग 10वीं 12वीं फेल होती है, इन लोगों का लेवल भी कुछ नहीं होता है। अगर इन लोगों को कहीं नौकरी पर जाने बोलो ना तो ये 10,000 रुपये अपने औकात से नहीं कमा सकती। आप इनको ये बोलो कि तुम्हें कपड़े उतारने हैं, नंगे बदन नाचना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर करने के लिए बोलोगे ना तो ये पैसे कमा सकती। ये इनका लेवल है। जो अच्छे घर की लड़कियाँ और अच्छे पेरेंट्स कभी भी ये सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट में ये लोग आते हैं ना, वो चीज़ें ही खरीदना बंद कर दो। ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट में ये लोग आते हैं, इनकी जगह पर ये जो ओलंपिक्स में जो खेलने जाते हैं ना, वो खिलाड़ियों को लेना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि वो लोग इतने साउंड फैमिली से नहीं आते हैं, ठीक है। वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो कभी ये बोनवीटा और हॉर्लिक्स नहीं पीते हैं, वो रोटी और चटनी खाने वाले लोग हैं और सादगी भरा जीवन जीने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों को आगे लाओ जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ये भांड लोग जो आपकी थाली में खाकर छेद करते हैं, ठीक है, उन लोगों को आप क्या बढ़ावा दे रहे हो? तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, करीना और 10 औलादे पैदा करेगी, क्योंकि 20 साल छोटी सैफ खान इसीलिए लाया है ताकि और 3-4 ये जिहादी पैदा कर सके। तो आप लोग इसको हीरोइन ना बनाएं, ठीक है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, उसके बच्चों का नाम चाहे वो गटर रखे या गटर का ढक्कन, अपना कोई लेना देना है नहीं। इसको ज़रा भी हवा ना दे, ये मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी मीडिया वाले ये जो फालतू की जो न्यूज़ दिखाते हैं ना, उनको कायदे से आप लोग जवाब दो सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये दलाली बंद करो और इन लोगों को कायदे से बॉयकॉट करो। क्योंकि ये लोग कहीं भी खड़े रह जाए ना, इन लोगों को भांडगिरी सूझती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा सुशांत के टाइम पे जया बच्चन जो राज्यसभा में बैठती है, वो अभी भी वो भांडी है, उसका लेवल वो भांड का ही है। मतलब वो जो थाली में छेद करने वाली जो बकवास कर रही थी, इतना बड़ा ड्रग्स का जो रैकेट पकड़ा गया, वो सब चीज़ों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों की एक ही सज़ा है जो हम इनको दे सकते हैं उनकी अकल ठिकाने लाने के लिए, और वो है इनका बहिष्कार करो। वैसे भी थिएटर्स बंद है, और मैं तो चाहती हूँ OTT प्लेटफॉर्म पर भी है ना इन निकम्मों की फिल्मों को आप लोग ना देखें। क्योंकि मैं अभी भी बोलती हूँ, अच्छे घराने में अगर कोई संस्कारी, अगर आप एक लड़की एक औरत का जो आप एक पोर्ट्रेट देखते हो ना, वो एक भी टके के संस्कार ये नाचने वालियों में होते नहीं हैं। तो आप इन लोगों को प्लीज़, आप इन लोगों को हीरो हीरोइन के दर्जे ना दें। वो जैसे मैंने बोला, वो हमारे आर्मी वाले हैं जो हमारे हीरो है, ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है ना जो कोरोना के टाइम पे इतने आगे आए, वो सब हमारे हीरो है। ये भांड सिर्फ नाचने गाने के लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को उनकी औकात में रखो। और जैसे मैंने आगे भी बताया, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है अवनी हिंदुस्तानी, इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।